मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। कुछ दिनों पहले सिनेमा शो में हमने आपको बताया था कि स्त्री टू में सरकटा का जो किरदार निभाया था जिन व्यक्ति ने, वो कौन है, उनका क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। और आज हमने सोचा कि क्यों ना आपसे उनकी रूबरू मुलाकात करवा दी, और आज वो हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं दूसरी स्क्रीन पर सुनील कुमार जी दिखाई दे रहे हैं, जम्मू के रहने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी ललन टॉप में। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है, मतलब ये फिल्म रिलीज होने के बाद क्या क्या चल रहा है लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे कॉल्स आ रहे हैं, फिल्मों के ऑफर आने शुरू हुए, या क्या अभी क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? मैम अभी जब से मूवी रिलीज हुई है तब से काफी कॉल आ रहे हैं मुझे। मेरे फ्रेंड्स के काफी कॉल आ रहे हैं, मूवी के लिए कॉल आ रहे हैं, एड्स के लिए कॉल आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हो रहा है मैम, देख रहे हैं, कर रहे हैं काम। जी, तो किन किन एड्स के लिए, कैसे कैसे एड्स के लिए कॉल आए, अगर आप बताना चाहें तो? मैम एक दो तीन ऐड के लिए फोन आया मेरे को, तो दो तीन मूवी के लिए कॉल आई है अभी। किस किस मूवी के लिए कॉल आई, बता सकते हैं आप? मैम मूवी का नाम उन्होंने बताने के लिए मना किया अभी तो। अच्छा, तो जी मतलब साउथ की फिल्में हैं, इधर बॉलीवुड की फिल्में हैं। मैम, दो साउथ की मूवी है, एक बॉलीवुड की मूवी है। हाँ साउथ की फिल्मों में आपने पहले भी काम किया है ना? मैम, साउथ की मैंने कल की मूवी में भी काम किया है, तो हाँ एक फॉरेस्ट मूवी है जो अभी आने वाली है, शायद नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी वो। जी, मैं कल की पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, स्त्री टू में जो सरकटा का किरदार आपको मिला, वो पूरी कहानी पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि वो कैसे, क्या ऑडिशन हुआ, डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया, फिल्म मेकर्स ने अप्रोच किया, वो रोल कैसे मिला आपको? मैम स्त्री टू मूवी के लिए स्त्री टू की टीम ने ही मेरे को कहीं से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया था, तो वहीं से मैम उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था। मूवी के पहले उन्होंने कोई 7-8 महीने पहले मेरे से कांटेक्ट किया था मैम, अच्छा, तो वहीं से बातचीत चलती रही। तो जब मूवी मूवी का शूट स्टार्ट होना था तभी उन्होंने मेरे को 1 महीना पहले मेरे को बॉम्बे में बुलाया था। तो वहां पर मेरी जो डायरेक्टर सर है हमारे अमर कौशिक सर, उनसे मेरी मीटिंग रखवाई थी उन्होंने, तो वहीं पे उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने बोला ये स्टंट भी होंगे इस मूवी में आपका, इस मतलब कि आपका जो रोल होगा उसमें आपका सर नहीं होगा, तो हमें आप जैसा ही बंदा चाहिए था जिसके हाथ भी थोड़ा बड़ा हो, पाँव बड़ा हो, इतनी हाइट का हमें रिक्वायरमेंट थी। तो उसी हिसाब से मैम उन्होंने मेरी सिलेक्शन की थी वहां पर। अच्छा, उन्होंने आपका कौन सा काम देखा था पहले, बताया उन्होंने कि कौन सा काम देख के आपके बारे में उन्हें कैसे पता चला? तो मैम उन्होंने शायद मेरी हाउस रेस्ट मूवी देखी थी पहले। फिर कैसा रहा शूट का पहला दिन, एकदम आराम से बताइए हमें कि जब आप शूट के पहले दिन सेट पे पहुंचे, कैसा रहा, क्या हुआ, किस किस से मिले, वो पहला दिन शूट का कैसा था, पूरी कहानी हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। मैम पहले दिन मैं शूट पे जब गया था तो जो वीडियो काफी वायरल हो रही है अभी, जो मैंने श्रद्धा मैम को जहां पर हाथ रखा था, तो श्रद्धा मैम मिले थे मेरे को पहली बार शूट पे। तो मतलब ऐसे बीच बीच में जाता रहा ना शूट पे, तो जी श्रद्धा मैम से मुलाकात हुई थी पहली बार, तो फिर मैम तभी मुंबई में हुई थी मुलाकात उनसे। तो उसके बाद मैं चंदेरी में गया था शूटिंग के लिए, तो चंदेरी में राजकुमार राव सर मिले थे मेरे को, तो फिर अपार शक्ति खुराना मिले थे। फिर उसके बाद मैम फिर मैं वापस आ गया वहां से। फिर उसके बाद जब दूसरी तीसरी बार गया शूटिंग पे भोपाल में, तो वहां पर पंकज त्रिपाठी सर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो काफी अच्छा लगा मैम उनसे मिलके। मैं वो समझना चाहती हूँ कि जब आप शूट के सेट पे पहुंचे, वो दिन कैसा था, आपका कौन सा सीन पहले शूट हुआ, किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस मिले, किसके साथ आपका पहला सीन था, राजकुमार के साथ था या फिर श्रद्धा कपूर के साथ था, किसके साथ पहला सीन कौन सा था आपका? पहला सीन मैम मेरा राजकुमार राव सर के साथ हुआ था, वो भोपाल में हुआ था पहला शूट, तो उनके साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम। उनके साथ पहली बार काम किया उनके साथ, तो बढ़िया लगा मैम उनके साथ। अच्छा, राजकुमार राव के साथ आपने काम किया, और आपके काफी सारे सीन्स भी हैं उसमें, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर दोनों के साथ आपके अच्छे खासे सीन्स हैं, तो क्या उनके साथ शूट करने का एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहा, अच्छा रहा, कोई किस्सा सेट का, कोई कहानी शूट के दौरान की हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? मैम सबसे अच्छी बात मुझे लगी मैम, जब भी हम सेट पे जाते थे ना शूट के लिए, जैसे फर्स्ट डे शूट स्टार्ट हुआ था तो श्रद्धा मैम भी आए थे, राजकुमार राव सर भी आए थे, तो अपार शक्ति सर भी आए थे, तो उनके साथ मैम जब भी डायरेक्टर सर वहां पर थे सभी थे। तो जैसे ही वो सेट पे आते थे पहले मैम कोई भी ऐसे मूवी का गाना सॉन्ग लगाते थे उधर, तो वहां पर डांस करते थे पहले, तो उसके बाद मैम शूट स्टार्ट होता था। मतलब पहले डांस करते थे मूवी के गाने पे, उसके बाद शूट शुरू होता था।
जी हर रोज ही मैम ऐसा होता था, रोज जब जैसे ही शूटिंग पे आते थे पहले डांस करते थे, तो उसके बाद शूट स्टार्ट होता था, तो काफी मजा आता था वहां पर। ये पहली बार ऐसा है आपके किरदार के बारे में बात हो रही है, खूब बात हो रही है, लेकिन इस किरदार ने आपको एक नई पहचान दी है, आपके नाम से लोग आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे, लेकिन इससे पहले भी आपने फिल्मों में काम किया सुनील, आप कल्कि में भी थे और पूरी फिल्म में आप थे, लेकिन हम में से किसी को नहीं जी पता कि उस फिल्म में सुनील थे, क्या रोल था आपका कल्कि में, ये बताइए सबको पहले तो। मैम, कल्कि मूवी में मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, मैं J&K पुलिस में, तो मैं स्पोर्ट्स में हूँ। वहां पर मैंने बुशु भी खेला है मैम, तो बुशु के 2 इंडिया कैंप भी लगाए हैं। बुशु एक मार्शल आर्ट गेम है, तो वहां के हमारे DSP सर हैं कुलदीप खांडू जी, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी है मैम, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मेरे को। अगर मुझे ऐसे मैम, आपको पता है अगर पुलिस में जॉब करनी हो तो पुलिस से छुट्टी का काफी प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मेरे को। अगर मुझे किसी एड में जाना हो, रेसलिंग के लिए जाना हो, मूवी के लिए जाना हो, तो मुझे कभी भी मना नहीं किया मैम उन्होंने। तो मेरे को सबसे पहले मैम रेसलिंग के लिए कॉल आया था, दिल्ली की अच्छा कंपनी है FFW की, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था, तो मैंने सबसे पहले रेसलिंग में गया था। तो रेसलिंग में ही मैम वहां से मूवी से उनको कॉल आती थी कि हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती थी इसी हिसाब से कि हमें इतनी हाइट का लड़का चाहिए, बॉडी बिल्डर टाइप का चाहिए, तो मैम वो हमारी प्रोफाइल भेजते थे वहां से। तो वहीं से मैम मुझे शॉपक्लू एड में काम मिला था, पहली बार मैंने शॉपक्लू की एड की थी, फिर उसके बाद स्पॉटिफाई की एड की, कॉम्बी फ्लैम की एड की, फिर T20 वर्ल्ड कप की एड की अभी। तो वहीं से मैम मुझे फिर मैंने सबसे पहली जो वेब सीरीज की थी अली फैजल सर के साथ, हाउस रेस्ट की थी मैंने, जिसमें मेरा बॉडीगार्ड का रोल था। नेटफ्लिक्स पे आई थी जो। तो वहीं जी, वहीं से मैम मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कल्कि मूवी में काम किया अमिताभ सर के साथ, प्रभास सर के साथ, जिसमें दीपिका भी थी, तो मैम उनके साथ काम करके काफी अच्छा लगा। और जैसे जैसे मैम कल्कि मूवी में मेरा रोल था मैम अमिताभ सर का, मैं बॉडी डबल किया था उसमें, अश्वदामा का रोल किया था, तो उनमें फेस अमिताभ सर का था और बॉडी मेरी थी मैम। हमारे जो दर्शक हैं उनको बता दूं, जो जो भी एक्शन सीन्स थे उसमें अमिताभ बच्चन का चेहरा और सुनील की बॉडी का इस्तेमाल किया गया था, तो वो जो लंबी चौड़ी बॉडी अश्वत्थामा की दिखाई देती है वो असल में सुनील आपकी बॉडी है, सही बोल रही हूँ मैं जी जी मैम जी? तो कैसा रहा आपका शूट करने का एक्सपीरियंस, क्या जब आप अमिताभ जी के साथ शूट कर रहे थे, क्योंकि लेजेंडरी एक्टर्स में से हैं और एक सीनियर एक्टर हैं तो वो नर्वसनेस होती है, क्या जब आप उनके साथ शूट कर रहे थे आप भी ऐसे नर्वस थे, एक्साइटेड थे, कैसा रहा उनके साथ, उनसे पहली मुलाकात का किस्सा सुनाइए, कब हुई उनसे पहली मुलाकात सेट पे? मैम, पहली मुलाकात उनसे मेरी हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में मैम शूटिंग हुई थी इसकी, कल्कि मूवी की। तो जिस दिन, पहले दिन मैं सेट पे गया था, बोल रहे थे आपकी अमिताभ सर के साथ आज शूट है वहां पर, तो मैम मैं काफी थोड़ा नर्वस था ऐसे कि इतने बड़े कलाकार हैं वो, मैं काफी देर से हम बचपन में मैम उनको देखते थे, उनकी मूवी देखते थे, हमारे पापा हमारे घर वाले जो सभी उनकी मूवी देखते थे मैम। तो जब मैं सेट पे गया था तो अमिताभ सर और प्रभास सर बैठे थे वहां सेट पे, तो जैसे ही मैं सेट पे मेरी एंट्री हुई तो अमिताभ सर और प्रभास सर मेरी ओर ऐसे देख रहे थे कि इतना लंबा लड़का कहाँ से लाया उन्होंने। तो मैम अमिताभ सर वहां से चेयर से उठ के आए मेरे पास और बोल रहे थे कि लंबू के साथ मेरी फोटो खींचो। तो मैम फिर मैंने उनके चरणों को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया, और आगे मैम फिर उनके साथ शूट हुआ। वो ढेर सारी बातें करते थे मेरे साथ कि आप कहाँ रहते हो, मैं उनको बताता था मैं बॉर्डर साइड रहता हूँ, बॉर्डर पे रहता हूँ, अखनूर जम्मू में रहता हूँ मैम। तो मेरे को बोलते थे क्या करते हो आप, मैंने बोला मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, बहुत सारी बातें होती थी मैम। तो काफी एंजॉय किया फिर उनके साथ मैम, और प्रभास के साथ प्रभास के साथ मैम, प्रभास सर के साथ मेरी फाइट सीन थे, जितने भी फाइट सीन थे, तो उनके साथ भी मैं काफी देर, जब शूट चलता था तो उनके साथ ही बैठते थे, जब रेस्ट होती थी तो उनके उनके साथ भी ढेर सारी बातें होती थी। वो भी ऐसे पूछते थे कितनी हाइट है आपकी, आप कहाँ पर रहते हो, क्या करते हो, तो मैम पूछते थे पहले कौन सी मूवी में काम किया है जी वो। तो बढ़िया मैम, सबके साथ काफी अच्छा नेचर था मैम उनका। तो जब ऐसे फाइट फाइट होती थी तो उसके बाद सीन करने के बाद जब आप दोनों बैठते थे तो क्या कभी ऐसे कुछ बातचीत हुई कि अरे यार तुमने तो बहुत तेज मारा, या ये सीन तो ऐसे हुआ, या ये सीन में तुमने ये किया, इस तरह? मैम जब पहले दिन फाइट सीन था ना, तो ऐसे मैंने
पंच मारा था उनको प्रभास सर को, मैम तो उनको थोड़ा थोड़ा सा हिट हुआ था, तो बोल रहे थे आराम से यार थोड़ा लग जाएगी, तो फिर मैम ऐसे चलता रहता था। तो बिग बॉस से भी ऑफर आया है क्या आपको? हाँ बिग बॉस में मैम काल आई थी मेरे को। अच्छा, तो आप, क्योंकि आप, मैंने पढ़ा था कि आप पुलिस की नौकरी में हैं और वो समय आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप बिग बॉस में अभी तो फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन क्या ऐसे मन है इस तरह के शोज का हिस्सा बनने का? आगे और क्या करना चाहते हैं? मैम मन तो बिल्कुल है, अभी मैं जाऊंगा अपनी ड्यूटी पे वापस जाऊंगा 2-3 तारीख को, तो मैम वहां जाकर अपने ऑफिसर से बात करूंगा, जैसे वो बोलेंगे तो वैसे ही करूंगा मैम। अच्छा एक बात बताइए सुनील, चलिए ये तो हुई अभी की बात, मतलब बीते कुछ सालों में आपने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया, लोग आपको जानने पहचानने लगे, आपकी कद काठी की वजह से आपको स्पेशल रोल्स मिलने लगे, लेकिन जब आप इतने फेमस नहीं थे या जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तो क्या कभी ऐसी हुआ कि आपको अपनी कद काठी की वजह से, अपने हाथों की वजह से, अपनी हाइट की वजह से ऐसे बुली भी होना पड़ा, या बचपन में स्कूल में बच्चों ने आपकी मजाक बनाई, क्या इस तरह का भी कभी कुछ आपके साथ हुआ, या सब आपके आसपास एकदम नॉर्मल माहौल था? मैम ऐसा बहुत बार हुआ है, नॉर्मल तो कभी नहीं रहा मैम। जैसे स्कूल में मैं पढ़ता था, मेरी हाइट सबसे ज्यादा थी, तो स्कूल में बच्चे भी ऐसे देखते थे इतनी हाइट है, तो टीचर भी हमारे देखते थे। तो बाकी उसके बाद मैम जब मैं पुलिस में जॉब करने लगा, तो पुलिस में जब भी हम ड्यूटी जाते थे, जहाँ मैम मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो हम बाहर खेलने के लिए जाते थे, वहां जो भी ऑल इंडिया पुलिस, ऑल इंडिया की जितनी भी टीमें आती हैं पुलिस की, जितने भी मैम प्लेयर आते हैं वहां पर, काफी मैम मेरे से फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो अगर किसी शादी में जाओ वहां पर लोग देखते हैं, तो इसकी वजह से मैम मैंने पहले थोड़ा मैं कम निकलता था, बाहर नहीं जाता था ज्यादा, शादियों में नहीं जाता था, पार्टियों में नहीं जाता था। तो उसके बाद मैम जाते जाते मेरे को थोड़ा हो गया मैम कि लड़के हर बंदा मेरे साथ फोटो खिंचवाता है, वीडियो बनाता है, तो अभी मैम अभी मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि अभी जो भी आता है फोटो खिंचवाता है, कुछ होता है। ये चेंज कब आया, जब आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की उसके बाद? जी जी मैम, जब पुलिस की जॉब की, पहले थोड़ा मैं शर्माता था फोटो शूटों के लिए, तो अभी मैम जब से पुलिस की जॉब किया, बाहर दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, खेलने के लिए भी जाते हैं, ऐसे मूवी के लिए एड्स के लिए जाते हैं। अभी हमारे जैसे अभी मूवी आई है, अभी भी जब मैं बाहर जाता हूँ तो काफी सारे लोग मेरे घर में भी आते हैं फोटो खींचने के लिए, तो जब बाजार जाओ कहीं आगे पीछे जाओ तो बहुत सारे लोग आते हैं मैम फोटो के लिए। अभी मैं मना भी नहीं करता, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है मैम। अभी आपके परिवार वालों ने देखी स्त्री, या आपकी कोई फिल्म देखी उन्होंने? हाँ मैम, हाउस रेस्ट मूवी देखी है घर वालों ने, तो कल्कि मूवी भी देखी है, स्त्री मैम अभी 15 को स्त्री रिलीज हुई थी, तो 12 को मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी मैम। ओ आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। जी, तो अभी मैम अभी किसी ने भी नहीं देखी, मैंने खुद नहीं देखी अभी मैम। अच्छा आपने अभी फिल्म देखी नहीं है। नहीं मैम, सुनील, आपकी लाइफ का वो सपोर्टिंग सिस्टम कौन था, मतलब जैसे जब आप बड़े हो रहे थे, क्योंकि हम सब ने, हम सोसाइटी ने कद काठी, किस तरीके का एक इंसान दिखना चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसका नैन नक्श रूप कैसा होना चाहिए, इसको ना एक क्राइटेरिया में सेट कर दिया है। तो जब आप बड़े हो रहे जी थे, जब आप घर से बाहर निकलते थे, जैसा आप खुद बोल रहे हैं कि आपने इस वजह से, क्योंकि आपको आसपास के लोग आपका मजाक बनाते थे या बुली करते थे, तो आपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, और लंबे समय तक ऐसा रहा, तो उस समय वो सपोर्ट सिस्टम कौन था आपका, जो आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने में मदद करता था? आपके पिता माता या आपके भाई बहन, कौन था वो सपोर्ट सिस्टम जो आपको ऐसे हमेशा स्ट्रोंग रखता था? मैं मेरे मेरे पापा जी मेरे को सपोर्ट करते थे, बोलते थे इतनी हाइट है ये ऊपर वाले की देन है, हर किसी को तो मिलती नहीं है, तो आपको मिली है आपको खुश होना चाहिए कि आपको इतनी हाइट मिली है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं। अभी हमारी नॉर्मल हाइट है तो हमारे साथ तो कोई ऐसे फोटो खिंचवाता नहीं है, आप खुश नसीब हो कि आपके साथ हर कोई फोटो खिंचवाता है, मिलना चाहता है, लोग दूर दूर से मिलने के लिए आते हैं। तो मैम फादर साहब ने काफी मैम मेरे को सपोर्ट करते थे। अब आगे आपका क्या करने का प्लान है? पुलिस में ही इस नौकरी को कंटिन्यू करना है, या एक्टिंग में अब और ज्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं? क्या प्लान है आपका? मैम अभी जैसे मूवी से एड से मुझे काफी काम के लिए बोल रहे हैं, तो सर्विस मैम अभी 2 साल ही करूंगा मैं, उसके बाद मैं पुलिस की जॉब छोड़ दूंगा मैं। अच्छा, मैं खबर पढ़ रही थी कि यश के टॉक्सिक के लिए भी आपको कॉल आया है, ऐसा सच जी है जी क्या? मैम, उन्होंने बोला था एक मूवी के, हाँ मूवी के लिए बोला है मैम वो। अच्छा, तो अभी आपने उसके लिए हाँ ना कुछ नहीं कही है? मैम उसके लिए अभी वो शायद नवंबर में स्टार्ट होगी मूवी, तो तब तक मैम हो जाएगा, मैं जाऊंगा मैम जरूर मूवी। अच्छा, आप करेंगे उस फिल्म को? जी मैम,
कैसा लगता है अब सुनील खुद को ऐसे बड़ी स्क्रीन पे देखना, इतने ऑफर्स आ रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं सामने से, कैसा लग रहा है आपको? मतलब कैसी कैसी फीलिंग होती है? मैम फीलिंग तो बढ़िया होती है मैम। जैसे हम अमिताभ सर को, किसी भी स्टार को मैम, जब हम देखते हैं टीवी पे, बचपन में देखते थे, तो अभी हम भी ऐसे ही मैम टीवी पे आ रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है मैम, बहुत बढ़िया लगता है। किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं आप? जैसे फिल्में देखने का शौक है आपको, जी मैम बिल्कुल कौन है फेवरेट स्टार, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मैम, फेवरेट एक्टर मेरा सलमान खान है। तो सलमान खान है। हॉलीवुड में मैम, हॉलीवुड में मैं ज्यादा दार आपकी फिल्में देखता हूँ। अच्छा, तो सलमान की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो सलमान की सभी मूवी अच्छी लगती है मैम। कोई फेवरेट? मैम भाईजान मूवी है, वो भी अच्छी लगी मेरे को। बजरंगी जी भाईजान। मैम, जी जी मैम, जी, सलमान से मुलाकात का मौका लग पाया कभी, उनसे मुलाकात हो पाई कभी? अभी तो मिला नहीं मैम मौका मिलने। अच्छा, अगर मुलाकात जी करने का मौका मिलता है तो क्या कुछ ऐसी खास बात है जो अपने दिल की उन्हें बताना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे उनसे, आप सबसे पहले मिलके? मैम, उनसे मिलकर काफी खुशी होगी मैम। उनके साथ मैं कोई मूवी करना चाहता हूँ मैम, अगर मौका मिले तो मैं जरूर करूंगा। उम्मीद करते हैं ये इंटरव्यू जो है पहुंचे फिल्म मेकर्स के पास और आपके मन की मुराद वो जान सके और भाई सलमान खान के साथ आपको फिल्म करने का मौका मिले। और इस बीच जितनी भी फिल्में आई, आपको ऐसा लगा कि ये इस तरह की फिल्म करनी है मुझे? मैम मूवी, मुझे, मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो मूवी करूं, फाइट सीन हो, जिसमें कुछ भी हो मैम, अगर मेरा उसमें फेस भी दिखे, तो किसी बड़े स्टार के साथ, जैसे सलमान सर के साथ हो गया, शाहरुख खान के साथ हो गया, साउथ में अल्लू अर्जुन के साथ, मैं कोई भी अगर काम मिले तो जिसमें मेरा फेस भी दिखे, तो वैसी मूवी करना चाहता हूँ मैम। मतलब आपके शरीर का जो है काफी इस्तेमाल हो गया है फिल्मों में, अब आप चाहते हैं कि आपका चेहरा और आपकी एक्टिंग स्किल भी दिखाई दे। जी जी मैम, जी, हम उम्मीद करते हैं सुनील जल्दी ही आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जिसमें हम आपको एक्टिंग करते हुए प्रॉपर देख पाएं और हमें बहुत मजा आएगा। और आप, हम उम्मीद करते हैं जब भी आप दिल्ली आए तो हमें बताइएगा, कॉल करके स्टूडियो में बुला करके हम चाहेंगे आपसे बातचीत हो, क्योंकि सुनील के पास इस वक्त समय नहीं था तो हमने सोचा कि जूम पर ही उनसे बात कर ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे बातचीत के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।